कांगड़ा की पोंग डैम झील में अब तक 2400 के करीब पक्षियों के मरने की सूचना सामने आ चुकी है। हालांकि वाइल्ड लाइफ विभाग की अरुण पाल उपासना सिंह की माने तो उनके पास अभी 2300 प्रवासी पक्षियों के मरने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। उन्होंने कहा कि जितने भी पक्षियों की मौत हुई है और जो मर रहे हैं, उन्हें इसी इलाके में एक विशेष जगह पर खड्डा करके दफना दिया जा रहा है, ताकि इससे दूसरे पशु और पक्षी प्रभावित ना हो सकें। उन्होंने बताया कि बाकायदा इसके लिए भी बेही प्रोसेस अपनाया जा रहा है, जो इन दिनों वैश्विक महामारी कोरोना के बचाव के लिए अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके उच्च अधिकारी समेत जिला प्रशासन और वो खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, उनका फील्ड स्टाफ हर पल पोंग डैम झील की फेरी फेरी में तैनात है और इस मामले में मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहा है, ताकि इसे अधिक फैलने से रोका जा सके। मैम, जो वेटलैंड साइड है उसमें जो है प्रवासी पक्षियों के मरने का क्रम जो है लगातार जारी है, तो जानना चाहेंगे अभी तक कितनी मौत जो है इसके चलते हो चुकी है और आगे किस तरह के प्रिकॉशन जो है वो विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक उनकी संख्या का सवाल है तो 28 को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था और अभी तक जो पिछले कल तक की काउंटिंग है वो लगभग 2300 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले कल जो है वो 627 के आसपास का आंकड़ा रहा है, तो कुल मिला के 2300 के लगभग जो है वो कारकासेस हमें मिल चुके हैं। दूसरा, आपने पूछा कि हम क्या उनका कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एनिमल हस्बेंड्री का जो एक्शन प्लान है इस तरह के सिचुएशन में 2015 का, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है उसको प्रॉपर पीपी किट पहन के जो हमारा फील्ड स्टाफ है उसको कलेक्ट कर रहे हैं और फिर गड्ढा बना के उसको लाइम सॉल्ट वगैरह यूज़ करके प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। वो उसका जो है वो ये फ़ायदा है कि फर्दर फिर स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ही पक्षी जो हैं वो इन्फेक्टेड हों और जो जो फिर मृत पाए जा रहे हैं उनको अगर हम उठा के डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हैं तो फैलने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो अब लोगों के लिए किस तरह की एडवाइजरी आप लोग जारी कर रहे हैं और आगे स्प्रेड ना हो और अदर एनिमल्स में, तो उसके लिए किस तरह की विभाग काम कर रहे हैं? देखिए, विभाग मैं स्पेशली बताना चाहूँगी आपको कि हमारे जो शिमला में उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो भी इस बारे में डे वन से ही बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और लगातार हमारे से तालमेल करके हमें निर्देश दे रहे हैं और हमारा जो फील्ड स्टाफ है जिसमें हम भी शामिल हैं मौके पे जाके जो है उसको कंट्रोल करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और एहतियातन जो है हमने 31 को ही, जिस दिन हमें अंदेशा हो रहा था कि ये फ्लू हो सकती है, हमने तुरंत जो है वो पोंग डैम पर्यटन की गतिविधियों के लिए बंद कर दिया था और उसके बाद 31 को ही स्थानीय प्रशासन से भी मामला उठा दिया था और स्थानीय प्रशासन ने भी इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। एरिया जो है उन्होंने 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर जो है वो अलर्ट जोन और 9 किलोमीटर सर्वेलांस जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन आपके द्वारा मैं आम पब्लिक से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि जो सेंचुरी के आसपास जो 207 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और थ्रू आउट फैला हुआ है और पोरस है जिसमें हमारे लिए भी तारवाड़ लगाना संभव नहीं है, उस एरिया में जो स्थानीय निवासी हैं उनसे मेरा करवद्ध निवेदन है कि वो इस आपदा के समय में हमारे साथ सहयोग करें और अपनी जान की सुरक्षा करते हुए और अन्य लोगों की सुरक्षा करते हुए कृपया उस क्षेत्र में आना जाना जो है वो थोड़ा बंद करें कुछ समय के लिए, जब तक कि इसके ऊपर पूर्ण कंट्रोल नहीं हो जाता। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर हम पूरी सावधानी रखेंगे, पूरा जो है वो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखेंगे, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, तो घबराने की आवश्यकता भी नहीं है और ईश्वर करे कि ये जल्दी ही कंट्रोल में हो जाए तो सबके लिए अच्छा होगा।